तो डिस्क्रिमिनेशन होता है और बहुत सारा चीज है। और ये चीज को हम कैसे लड़ेंगे? ये दो तरीके का लड़ाई है। 200 साल का लड़ाई को जब हम देखते हैं, महात्मा ज्योतिराव फुले ने स्टार्ट किया। महात्मा ज्योतिराव फुले ने जातीय खिलाफ लड़ा, ब्राह्मणिज्म के खिलाफ लड़े उन्होंने। उसके बाद हम साहूजी महाराज को देखते हैं, उन्होंने भी ऐसे ही किया थोड़ा बहुत। लेकिन हम जब डॉक्टर अम्बेडकर को जब देखते हैं, 1920 से 1956 तक उन्होंने दो तरीके का लड़ाई लड़ा। एक है समाज में कैसे परिवर्तन किया जाए, उसको हम सोशल डिस्कोर्स बोलते हैं हमारा एकेडमिक लैंग्वेज में, हमारे इंटेलेक्चुअल लैंग्वेज में। और दूसरा जो है कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट जो राज्य है वो एक है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात करते हैं आज के टाइम में, या लास्ट 70-80-100 ईयर्स ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर के मूवमेंट को जब देखते हैं, 1920 से अभी 2020 आएगा, अभी 100 साल का जो लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो लड़ाई है, उन्होंने साउथ बोरो कमिटी में उन्होंने मेमोरेंडम दिया, उसमें सिटीजनशिप राइट था, उसमें एडल्ट फ्रेंचाइज था, उसमें प्रोटेक्टिव ऑफ डिस्क्रिमिनेशन था, प्रोटेक्टिव अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन था, और बहुत सारा ऐसे चीज था। उन्होंने उनका जो पॉलिटिकल जो लड़ाई, सेपरेट इलेक्टोरेट, रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स, रिप्रेजेंटेशन इन ब्यूरोक्रेसी, रिप्रेजेंटेशन इन अदर स्टेट मैकेनिज्म, यहाँ उन्होंने रिप्रेजेंटेशन की बात किया। एक एक लड़ाई। दूसरा जो लड़ाई था, उन्होंने 1919 से मूक नायक जैसा पत्रिका स्टार्ट किया, वो भी अभी 100 साल होने वाला है। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाया, उन्होंने समता जनता जैसा जर्नल चलाई। 1936 में उन्होंने एनाइलेशन ऑफ कास्ट लिखा। 1936 में उन्होंने एक बहुत बड़ा डिक्लेरेशन दिया कि मैं एक हिंदुओं के पैदा हुआ हूं लेकिन हिंदुओं के मरूंगा नहीं। उन्होंने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाया और बहुत सारा सोशल काम किया। समाज में जो रूढ़िवादी, जो ब्राह्मणिज्म जो जड़ा हुआ है, उसके खिलाफ लड़ा। और दूसरी तरफ उसी टाइम से 1919 से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर भी क्रिएट किया। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन डे आज मना रहे हैं, इट इज 100 ईयर्स ऑफ स्ट्रगल, एक दिन का बात नहीं है। लेकिन जब हम 1950s के बाद जब देखते हैं, व्हाट इज दिस कॉन्स्टिट्यूशन, बाबा साहब ने 1950s में बहुत अच्छा एक वार्निंग दिया समाज को, भारतीय समाज को। उन्होंने बोला कि हम वी आर एंटरिंग टू ए लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, हम एक ऐसे समाज में अभी जा रहे हैं जहां हमारे साथ एक कॉन्ट्राडिक्शन के लाइफ जिएंगे। एक तरफ हमारा डेमोक्रेसी है, एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन है, और एक तरफ हमारा समाज है जो समाज और डेमोक्रेसी को मानता ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक बाबा है, हिंदू बाबा, वो बोलता है मैं कॉन्स्टिट्यूशन को मानता नहीं, वो दो बार जेल जा चुका है। मैं इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो हिंदू बाबा है, उसको एक हमारा एक डॉक्यूमेंट्री में वो उसका स्पीच बोला है, वो उसका इंटरव्यू दिया है, बोला कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता हूँ क्योंकि मैं सनातनिक ब्राह्मण हूँ। आज के टाइम में 2008 की बात है और 2008 में उसका क्लिप्स है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो समाज है, इंडिया समाज, ये दो तरीके के चल रहा है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी है, एक ब्राह्मणिज्म है। आज जब हम संविधान दिवस मान रहे हैं, हमको इस बात को याद करना पड़ेगा। यहाँ का जो भारत में जो ऑपरेस्ट कम्युनिटीज है, और दलित की बात जब करता हूँ, दलित एक ऐसा एक समाज है, ऐसे एक आज पॉलिटिकल समाज बन रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट करता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को सम्मान करता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को सेलिब्रेट करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को सेलिब्रेट करता है। और कॉन्स्टिट्यूशन लास्ट 2 साल की बात मैं जब बोलूंगा 2018 अप्रैल में यहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है, इंडिया का सुप्रीम कोर्ट, SC/ST PO एक्ट जो है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी SC/ST एक्ट 1989 का जो है, उसके खिलाफ जजमेंट दिया। वो जजमेंट में मैं नहीं जाऊंगा उसमें क्या क्या है अभी। उसके बाद नेशन वाइड में दलितों ने एक संघर्ष छेड़ा, उसमें बहुत सारे लोग मरा भी। यहां दो बात मैं बोलना चाहता हूं, एक
जो दलित है स्टेट के थ्रू लॉ के थ्रू उनको क्रिमिनलाइज किया जाता है। अभी अभी जीतू भाई ने एक बात बोला, उसके घर को गया पुलिस दो बार। क्यों गया उसका घर को? क्योंकि वो जेएनयू में वो बोल रहा है, किसके लिए बोल रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बोल रहा है, फॉर टू इंप्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, टू इंप्लीमेंट द डेमोक्रेसी, इसी के लिए बोल रहा है। तो उसके पास कौन गया? पुलिस गया। पुलिस इज अ पार्ट ऑफ हमारा, अभी यहाँ आईपीएस आ रहे हैं, मैं उनको भी सुना रहा हूँ, ये हमारा स्टेट मैकेनिज्म है। पुलिस कौन है? पुलिस स्टेट मैकेनिज्म के थ्रू चलता है। और जो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लॉ है, जो हमारा सुप्रीम जो अथॉरिटी है, कौन है वो? डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट है, एंड इट इज अ पावर ऑफ पार्लियामेंट टू कंट्रोल एवरीथिंग। और पार्लियामेंट में कौन है? जो रूलर है, आज का रूलर कौन है? इस जो रूलर है आज, वो क्या कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है? क्या डेमोक्रेसी को मानता है? क्या तो जब हम दलितों की बात करते हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशन दिवस की बात करते हैं, जब दलित एट्रोसिटी की जब बात करते हैं हम, जब दलित जब संविधान को सेलिब्रेट करने की बात करता है, इन्हें हुए एक तरीके से इंडिया में जो दलित पॉलिटिक्स है, अंबेडकर पॉलिटिक्स जो है, वो डेमोक्रेसी को बचाने की काम करता है, डेमोक्रेसी को सोशल बनाने की काम करता है, और डेमोक्रेसी को आगे लेने की बात करता है। तो इस चीज को हमको अच्छा से समझना पड़ेगा जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को सेलिब्रेट करते हैं। मैं उड़ीसा से आता हूं, अभी हमारा उड़ीसा प्रदेश में एक महीने तक लास्ट दो साल से कॉन्स्टिट्यूशन अवेयरनेस कैंपेनिंग चला रहे, मैं उसके ऊपर लिखा भी। मैं ये बोलना चाहता हूं, जब हमारे लोगों कैसे उसी स्टेट के थ्रू, उसी लॉ के थ्रू, उसी पॉलिटिकल मैकेनिज्म के थ्रू फिर क्रिमिनलाइज किया जाता है। आज हमारे पास डेटा है, आप डेटा देखेंगे, जो इंडियन स्टेट का जो डेटा है उसमें सबसे ज्यादा क्रिमिनल कौन है पता है? दलित कम्युनिटीज के लोग है। उसमें ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटीज के लोग है क्रिमिनल, उसमें ज्यादा आदिवासी लोग क्रिमिनल है। अरे भाई, आदिवासी दलित एंड मुस्लिम आर द पीपल हु फॉलो कॉन्स्टिट्यूशन, हु रेस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, हु अबाइड बाय द लॉ, लेकिन उनको क्रिमिनलाइज किया जाता है। इसी ऐसे ही समाज में हम जी रहे हैं। तो आज जो मौका मिला बोलने के लिए मुझे, मैं इतना ही बोलूंगा। और मैं सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जब हम डेमोक्रेसी की बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे, हमको ये चीज को भी हमेशा ध्यान में देना होगा कि इसको कैसे आज जो ये पॉलिटिकल जो डेमोक्रेसी है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के थ्रू कैसे उसको मिसयूज किया जाता है। आज जो डेमोक्रेसी है ये बाय द पीपल ऑफ द पीपल फॉर द पीपल जो बोलते हैं लोग, ठीक है, लेकिन आज का रूलिंग पार्टी ने डेमोक्रेसी को कैसे यूज किया अपने हित के लिए, इस चीज को भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। और आपने मौका दिया, इसीलिए आपको धन्यवाद। धनंजय सर, सबको जय भीम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।